अभी हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब यहाँ मॉर्निंग फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि मुझे जाना है एक दूसरे शहर और हम लोग लगातार बने रहेंगे। आइए चलिए चलते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, और ये टर्मिनल वन है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीन टर्मिनल हैं, 1, 2, 3, और तीनों से लगातार उड़ान जारी रहती है। एयरपोर्ट में भी कितना भीड़ है देखिए। हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से कलकत्ता की फ्लाइट है हमारी, कलकत्ता जा रहे हैं। शाम के लगभग 5:30 बज गया है और 1.5 घंटे के बाद हम कलकत्ता पहुँच जाएंगे। चलो भाई, ये गया है मखाना। सर तो क्या खाते हैं उसका भी लोग देखना चाहते हैं। 100 रुपए का मखाना नहीं, 150 रुपए का, सॉरी 50 ग्राम, 40 ग्राम। रात को ये खूबसूरत कलकत्ता लग रहा है दिवाली हो रहा है, इतना शानदार लग रहा है रात के अंधेरे में। और हम कलकत्ता शहर के ऊपर पहुंच चुके हैं, हमारी फ्लाइट कलकत्ता पहुंचने वाली है, नीचे अब लैंड करेगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी अद्भुत नज़ारा। उतर गए भैया हम लोग, ये तो अच्छा ओनर है। क्या है ये? कलकत्ता एयरपोर्ट आ गए। ये अच्छा बना रखा है, पाइप लगा रखा है क्या? और ये देखो ये क्या बना रखा है, ये मूर्ति है। एयरपोर्ट है कलकत्ता का, ये काफ़ी बड़ा, कह सकते हैं कि बड़ा एयरपोर्ट है, और कोलकाता का अपना एक अलग ही शहर का और यहाँ के लोगों का अलग ही महत्व है। काफ़ी अच्छे और काफ़ी कह सकते हैं कि भारत का एक जो
सांस्कृतिक शहर है, चाहे वो कला हो, रंगमंच हो, सब कुछ कलकत्ता में मिलता है। दो दिन देखेंगे। कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, करीब शाम के 7:30 बज रहे हैं। दिल्ली से चले थे 5:30 बजे और अभी कलकत्ता आ गए हैं। अब यहां से हमारा आगे का जो प्लान है उसके लिए पहले होटल चलेंगे। होटल में आज रात को रुकना है और कल सुबह से हम लोग यहां पे कुछ प्लानिंग है हमारा, तो उसको पहले करेंगे लगातार। आज काफ़ी दिनों के बाद हम कोलकाता आए हैं, अच्छा लग रहा है। और अभी तो जस्ट उतरे ही हैं, एयरपोर्ट पे ही हैं, एयरपोर्ट से अब निकलेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं कोलकाता को नज़दीक से। अभी देखो भैया ये है कलकत्ता ना भैया, अरे दिखाई एक बार फेयर देख लीजिए सर। फेयर हाँ 4794 है ओटीपी। नहीं नहीं फेयर कितना दिखाया है सर उसको देखिए। अब कुछ तो दिखा ही दिया होगा। बहुत चढ़ा हूँ मैं बेहला से टॉलीगंज, टॉलीगंज से कोलकाता बिल्कुल ही अलग दिखता है। रात का ये जो इतने लाइट्स और इतने चकाचौंध, अभी भी रिक्शा और एक कह सकते हैं कि मिश्रण है इस शहर में, गरीब अमीर, डेवलपमेंट नहीं डेवलपमेंट, हर कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे जीने का एक अलग ही अंदाज है। नंबर रखिए सर, ड्यूटी उधर आने का दिल रहेगा तो कॉल कीजिएगा सर। कर रहे हैं और ये हमारे टैक्सी ड्राइवर साहब भिड़ गए किसी से लड़ाई में। ऐसे बंदे चलते हैं यहाँ पे। थप्पड़ दिखा रहा ड्राइवर जी। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर का लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, उसने तो पूरा थप्पड़ ही उठा लिया था मारने के लिए स्कूटर वाले पे। लेकिन खैर चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और अपने होटल की तरफ पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। भैया हम लोग पहुंच गए। तो हम अपने होटल में आ चुके हैं और आज की रात हमारी यहीं बीतेगी। कल से हमारा जो एक मिशन है, जो एक मकसद है, हम उस पर अपना काम करेंगे।
काफी थकावट तो नहीं हुआ, आराम से हम लोग आ गए, ज्यादा परेशानी भी नहीं हुआ। ये चाय वाय काजू किशमिश सब रखा हुआ है तो हम लोग को भूख भी लग गया है, तो थोड़ा इसको खा लेते हैं और फिर चलिए। ये लाइट्स, वाह, आज हम लोग कलकत्ता पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा सफर रहा हमारा। अपने कमरे में आ चुके हैं और दिल्ली से चले शाम को 5 बजे, लगभग रात के 10 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 7:30 बजे ही एयरपोर्ट पे आ गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमारे एक साथी का हमने इंतज़ार किया जिसके कारण से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फाइनली हम अपने होटल में आ चुके हैं। और कलकत्ता जो कि काफ़ी अच्छा शहर है और हमेशा से ही खुशगवार, खुशियों भरा शहर, और यहाँ के लोग काफ़ी खुश। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय, टेक केयर।